हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल टर्बो चार्ज। तो आज हम न्यूली लॉन्च हुई ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करने वाले। इंडिया में हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो डाल के इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट में तहलका मचा। वीडियो डालने के तुरंत बाद ही उन्होंने उसकी ऑनलाइन बुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने उसे सिर्फ 499 रुपये की रिफंड अमाउंट में बुकिंग के लिए पेश किया था। उसके तुरंत बाद ही इंडियन कंज्यूमर ने उसके लिए ज़्यादा डिमांड देते हुए इसे सिर्फ एक दिन में ही 1,00,000 बुकिंग कर दी थी, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिसाब से काफ़ी बिग नंबर आता। उसमें से अगर 10% भी लोगों ने उसे ले लिया तो यह आंकड़ा 10,000 के करीब आता है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। उस हिसाब से ये अपने मार्केट में लीडिंग बन जाएंगे। इसका मुकाबला एथर 450 और 450X से होने वाला है। ओला ने इसमें S1 एंड S1 Pro दो मॉडल को लॉन्च किया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमें इसमें लगभग 4 किलोवाट की बैटरी पैक दी जा सकती है, जो हमें लगभग ARI सर्टिफिकेट के साथ 180 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। इसके कुछ टीजर तस्वीरें सामने आई, जिसमें हमें 80% के साथ ये 120 किलोमीटर की रेंज दिखाई दे रही है। तो आप लगभग 140 किलोमीटर की रेंज पकड़ सकती है, जो आपको हाइपर चार्जर की मदद से सिर्फ 18 मिनट में 75 किलोमीटर की रेंज देने वाली है, जो एथर से काफ़ी ज़्यादा नंबर निकल के आता है। एथर में हमें 160 किलोमीटर की ARI सर्टिफिकेट रेंज दी गई है, जो रियल टाइम में हमें 85 किलोमीटर की रेंज देती है। उस मुकाबले ये नंबर काफ़ी बिग नंबर है। टॉप स्पीड की बात करें तो यह हमें 90-95 किलोमीटर की टॉप स्पीड देने वाला है। इसमें हमें 7 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो आपको रियल टाइम बैटरी परसेंटेज और रेंज बताने वाला है। साथ में आपको SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट और रियल टाइम नेविगेशन भी मिलने वाला है। आप इससे अपने म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करें इसके बूथ स्पेस की, तो इसमें हमें बेस्ट इन सेगमेंट का बूथ स्पेस दिए गए। अगर प्राइसिंग की बात करें तो हमें 1.2 लाख से 1.4 लाख विदाउट सब्सिडी मिल सकती है। अगर सब्सिडी के साथ देखा जाए तो अराउंड 1 लाख टू 1.2 लाख मिल सकती है। आई होप आपको सारी डिटेल्स मिल गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तो बनाते रहेंगे से रिलेटेड कंटेंट।